ओके तो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्टेन करने वाले ब्लॉक्स फ्रूट की सबसे खतरनाक माने जाने वाले एक स्पॉट जिसका नाम है CDK। एंड ये इतना इजी नहीं होने वाला है, इसलिए मेरे साथ अपना एक फ्रेंड जिसका नाम है मैथियस रेड, मैथियस जिसको मैं रेड बुलाता हूँ। एंड ये 30 मिलियन बाउंटी वाला प्लेयर है। एंड हाँ, आई नो अभी तुम्हें थोड़ा अजीब सा स्क्रीन दिख रहा होगा क्योंकि ये मैं फ्यूचर वाला सोहम बात कर रहा हूँ जो कि अभी वॉइस ओवर दे रहा है, क्योंकि आलस के चक्कर में या फिर कुछ पर्सनल रीजंस के चक्कर में मैं वॉइस ओवर दे नहीं पाया। तो एंजॉय करो, एंड मुझे आता नहीं तो मैथियस हमारी हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर आप लोग पहला ट्रायल देख सकते हो जो कि डॉक लेजेंड है। इसके अंदर हमें बेसिकली ये करना होता है कि कुछ आइलैंड्स में हमें जाना होता है हॉप करके, एंड उधर हमें कुछ डॉक वाले डॉक मतलब वो जो बोट देते हैं वो लोग बोट के सेलर्स उनके साथ हमें थोड़ा डील करना होता है, सॉरी बात करनी होती है। एंड लास्ट में जाके पार्डन में कुछ तो दबाना होता है। तो या यू नो मैं फ्यूचर वाला तो मुझे सब पता है दोस्तों। अभी आपको मैं क्विकली बताऊंगा कि कौन से लोकेशन में आपको जाना है ताकि मतलब यू नो आपका टाइम बच सके। एंड मतलब ना जस्ट इन केस अगर आपको ये दरवाज़ा बंद मिला ये वाला, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ये दरवाज़ा खोल सकते हो। तो फॉलो करो मुझे। जी हाँ, आपको इधर से आना है, बाहर आना है, फिर इधर से जाना राइट। राइट ही होता है, जियान क्या बोल रहा था मैं। तो लाल मशरूम से हमने ले लिया राइट, एंड इधर से यहाँ पर ये और एक राइट मारना है दोस्तों। तो यहाँ पर मिलेगा हमें NPC जिससे बात करने के बाद ये हमको मतलब दरवाज़ा खोल देगा। बेसिकली ये यहाँ का वॉचमैन है। ओके तो पहला आइलैंड यही आइलैंड पे होने वाला है। बेसिकली मैं अभी आपके दिखा देता हूँ कि यही आइलैंड पे कहाँ पर मतलब ये जो आइलैंड है इसके मतलब जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो कि मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने पोर्टल यूज़ किया, मैंने मतलब मैथियस ने पोर्टल यूज़ किया। एंड इधर से हमें देखने बात करो दोस्तों, देख लो मैं स्टार्टिंग का बताऊंगा, बाद में सीधा स्किप कर दूंगा, सिर्फ जगह दिखाऊंगा कि कौन से जगह होने वाला है। एंड बाय द वे ये कोई प्राइवेट सर्वर नहीं है, वो सर्वर है जिसको मतलब सारे प्लेयर्स ने अबैंडन कर दिया, जस्ट लाइक योर एक्स, जस्ट किडिंग। एनीवेज तो देखो पार्डन में किया मैंने। एंड अभी हम लोग और आगे जाएंगे, नए नए जगह ढूंढेंगे। तो सेकेंड आइलैंड है ये वाला, इसका नाम मैं भूल गया, तो ऊपर लिख के आ रहा है, देखो थोड़े अनपढ़ नहीं हो तो देख लो क्या नाम था इसका, पोर्ट टाउन हो गया। एनीवेज पोर्ट टाउन में हमने कर दिया बात। एंड अभी नेक्स्ट आइलैंड है हाइड्रा आइलैंड, तो हाइड्रा आइलैंड में भी हमने अभी कर दी है बात। तो अरे क्या बोट खरीद ली भाई, पैसा बर्बाद। नेक्स्ट दबाते रहने बाद में पार्डन में। तो दोस्तों ये हो चुके अपने तीनों के तीनों ट्रायल। अपना ये पहला आलू का कार्ड फ्रैगमेंट हमें मिल चुका है, ऐसे में अच्छी है 6। ठीक है, हालत ख़राब होने वाली है दोस्तों। ओके तो सेकेंड ट्रायल होने वाले सेंस ऑफ ड्यूटी। तो ये हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए मतलब तुम्हें 1 घंटा या फिर 1 घंटा 30 मिनट सर्वर में रुकना पड़ता है, जिसके बाद आएंगे स्केलेटन्स नहीं क्या पायरेट जो भी रेड करते हैं। एंड रेड करने के बाद हमें मिलेगा वो फ्रैगमेंट जो भी मतलब हमें मेन बॉस को मारना होता है, फिर जाके मेन मतलब वो मेन जो टैंकी होता है उसको मारना होता है बेसिकली। तो मिलेगा एंड हमको मिल चुका है ऑलरेडी क्योंकि मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओके तो अभी तुम सोच रहे होगे कि अच्छा भला ये CDK कर रहा था, अचानक से सेकेंड सी में क्या कर रहा है। तो अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों थोड़े बहुत ये एक्टोप्लाज्म, क्योंकि मैं इसी वीडियो में लेने वाला हूँ सोल गिटार भी, मतलब दो मिथिकल गन सॉरी एक मिथिकल स्वॉर्ड और एक मिथिकल गन आज अपने पास आने वाली है। एंड मेरा मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जल्दी से जाके ले लेते क्योंकि पैसों में अंधा हो रहा दोस्तों। ओके आई नो वीडियो थोड़ा फास्ट पेस में जा रही है क्योंकि यार देखो मैं फ्यूचर से आ रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है दोस्त, मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, वेला हूँ मैं, वेलेपन में अंधा हो रहा हूँ। एंड देखो हम लोग आ भी गए, मैं फंबल मार रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि 2 महीने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 महीना। तो ये देखो ये भाई इसका लैग मारे जा रहा है, ये क्या बोले इसे। तो एनीवेज क्राफ्ट कर लेते क्योंकि पैसा बहुत है। देखो आ चुके हैं सोल गिटार, तो अभी इसके थोड़े बहुत मैं मूव स्पैम करूँगा क्योंकि नया नया चीज़ है, तो बंदे लोग देखते कि कैसा है ये। ठीक है एनीवेज, तो अभी मेन मोटो भूलेंगे नहीं दोस्तों हम लोग। लास्ट लाइन में भी मैंने बोला था कि मेन मोटो भूलेंगे नहीं, बट आदमी है चंचल होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग अभी आएंगे स्पिन करेंगे और देखते क्या मिलता। ओ माय गॉड, मैं फ्यूचर का हूँ फिर भी मैं शॉक जरूर हो गया दोस्तों क्योंकि मुझे रंबल पहली बार मिला जिंदगी में। एनीवेज तो अभी वापस से मोटो के ऊपर जाते हैं क्योंकि चंचल वापस नहीं होना दोस्तों। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हम लोग तुशीटा का स्क्रोल अभी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें अभी करना पड़ेगा पेन एंड मिजरी, क्या मैं पढ़ानी शेट पेन एंड सफरिंग होगा शायद से क्योंकि मेरा मेमोरी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमें बेसिकली करना ये है कि हमें डैमेज डील करना है, फिर लेना है आई डोंट नो आई थिंक सो हाँ डैमेज लेना है हमें। तो हमें बहुत लो हो जाना है बेसिकली, एकदम मतलब क्या बोलते हैं मौत को छुपे टक से आने वाला जितना हेल्थ होता है उतना लेना है। हमें मिल गया, ईजी है भाई, देखो 8 से 10 हज़ार का डैमेज लेने की जरूरत है तुम्हें बस, मतलब 8 से 10 बहुत हो गया, आई मीन 6 से 7 हज़ार भी ले लोगे फिर भी हो जाएगा, मरने से पहले मिल जाएगा तुम्हें, इतना जरूरी है आई मीन। सेकेंड है हेज ऑफ मिजरी, एंड मैं ये स्किप करना चाहूँगा दोस्तों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, ये तुम यूट्यूब के ऊपर देख लो कौन सा आइलैंड में क्या क्या होता है, क्योंकि ये अकेले पार्ट में हमें 2 घंटा लगा था, ये अकेला पार्ट 2 घंटा मैं राउंड अप कर रहा हूँ, 1 घंटा 30 मिनट लगा था, पर 2 घंटा पकड़ लो। तो मैं बेसिक बता देता हूँ इसमें करना क्या, देखो ये गोला दिख रहा है गोला पर्पल गोला, तो ये जिन जिन NPC के ऊपर है सारे आइलैंड के ऊपर जाके तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारना है, तभी जाके तुम्हें मिलेगा वो एक आलू का कार्ड फ्रैगमेंट। ओके तो ये पूरा मतलब टाइम स्किप हो चुका है क्योंकि मैं अभी आ चुका आधे घंटे बाद, क्योंकि मेरे सर ने कॉल किया था मेरे को आज क्योंकि मैं क्लास गया नहीं था, 12वीं का बच्चा मैं क्लास में नहीं गया था इसलिए कॉल आते हैं दोस्तों, तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा परेशान हूँ इस बार। एंड आप देख सकते हो इतना लेट हो गया, मतलब लेक्चर दे रहे थे सर, बाद में मम्मी पापा ने अलग से लेक्चर दिया, इसलिए मैथियस चला गया क्योंकि वो अलग कंट्री में रहते हैं अलग रीजन में एंड हम अलग रीजन में। तो अभी हमारे हेल्प करेगा
मर्ज, शैडो मर्ज, जो कि बहुत ज़्यादा नर्ड आदमी है, इसको पढ़ाई से कभी छुटकारा मिलता नहीं। मेरे को मारा क्यों इसने, है मैं मारू, मैं आऊँगी अपनी बह। एनीवे छोड़ देते दोस्तों, हमें ऊपर जा। व्हाट द हेल, कौन है भाई ये, क्या यूज़ किया इसने। एनीवेज तो हम आ चुके हैं अभी, आई मीन मैं बताना भूल गया, हमारे पास सारे आ चुके हैं। मैंने हेज ऑफ मिजरी भी कर लिया, सॉरी पेन एंड क्या बोलते हैं उसको, एक में हमको वो जो भी होता है यामा का ही है आई गेस, यामा के स्क्रोल में हमें वो मरना होता है उससे, सोल रिपर वाले से। एंड लास्ट स्टेप है ये स्क्रोल जलाना होता है, मैं ऐसे जा रहा था वो हुआ नहीं, तो लेट्स गो, अभी हमें बस अंदर जाना है एंड वो बॉस को मारना है। बॉस को मारेंगे, सोल गिटार क्यों बोल रहा हूँ, सीडी के लेंगे, इजी, कुछ पैसा वैसा नहीं देना इसलिए मेरे को। अरे मार रहा है ये, मैं आऊँ क्या अपनी, भाई देखो कौन सा गरीबों वाला हाकी कलर ले रखा है, मतलब इसके पास है दो लेजेंडरी, फिर भी लेना नहीं है, हील कर ले मैंने। लेट्स गो, अभी हम लोग जाएंगे अंदर, आई होप वो मर जाए, ज़्यादा हार्ड ना हो ये बॉस, आई जस्ट होप। देखो मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को थोड़ा ओवर एक्टिंग करना पड़ेगा। ये देखो ये बनेंगे यूट्यूबर्स हैं, ये बनेंगे भाई, ये बनेंगे दोस्त, ऐसा दोस्त ले भाई। ओके दरवाज़ा खुल चुका है दोस्तों, आई होप ये ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। आ चुका है स्केलेटन हड्डी, ओके हाँ गुड ओल्ड डेज, तब मेरे पास गुद्दा था, अभी मेरे पास अलग फ्रूट है, तुमने इंट्रो में देख ही लिया होगा दोस्तों। एंड स्टे ट्यून फॉर दैट, ठीक है अभी दी, ओह शिट, मैंने अभी अभी नोटिस किया, क्या दिखा रहे, ऑरा ऑन करने को बोल रही है, अच्छा मेरा ऑफ था, मैंने ऑफ ऑन ही था भाई, हो नहीं रहा ये, हेल ना दोस्तों। मैंने इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मैं स्पैम करे जा रहा हूँ, ये मेरे जो अटैक्स में दिख रहे हैं ना लैंड हो रहे हैं, वो मर्स को लग रहे हैं, ठीक है मर्स को नहीं लग रहे तो किसी को तो लग ही रहे हैं। एंड मेरा इधर इतना हेल्थ लो गया तो मैंने सोचा बेटर मतलब भाग जाते, पर दरवाजा खुला नहीं, बंद कर रखा था नल्लो ने, तो अभी देखो दिख रहा है हाकी ऑन है मेरा, रेड रेड दिख रहा है वो, अभी मैंने ऑफ किया, अभी जस्ट वापस ऑन करूँगा क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है ये, एक बार बिना हकी का मार के देखता हूँ। मेरा हेल्थ लिटरली 4000 है भाई, किसी बॉस ने इतना नहीं किया बिग मोम को छोड़ के, तो ये बेसिकली ग्लीच हो रखा है कोई तो मतलब यू नो ये। और मेरे को जस्ट मर्ज ने क्या बोला पता है, या अथर्व ने, ये नल्ले ने मुझे ये बोला कि एक बार मरा तू तो सीडी के गया तेरे हाथ से, तेरे को वापस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इतना ट्राई हार्ड कर रहा था कि भाई मर जा प्लीज़ मर ले यार, एक आध तो हिट ले ले एटलीस्ट, ये मर ही नहीं रहा था। तो एट लास्ट बंदा कितना ही ट्राई का हार्ड कर लेगा, मैंने अपना होप्स मतलब यू नो छोड़ दिया एंड मैंने रिसेट मार दिया, क्योंकि कितना ही मारूं मैं, ये देख रहे हैं एक्टिवेट हकी, क्या कैसा करूं ये, और क्या एक्टिवेट होता है भाई। तो बहुत ज़्यादा स्पैम करने के बाद मेरे को पता चल गया कि नहीं मरेगा एंड इसलिए मैंने रिसेट कर दिया। एंड इसके बाद जो होगा वो आपने कभी सोचा नहीं था, मेरे को लिटरली मिल जाता है सीडी के, कैसा मेरे को पता नहीं स्टोर्ड हो गया मेरा कोको अपने आप, मेरे को ये मिल गया सीडी के, ये मर्ज तो मेरे को हैकर बोलने लगे थे। एनीवेज तो अगले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे इसको एन्चेंट करने का, इसके ऊपर ब्लेसिंग लेंगे एंड मेरे पास थोड़ा स्क्रोल्स कम है तो और ग्राइंड करेंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। क्या देख रहे हो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगले वीडियो में मेरे को बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना है, क्योंकि मेरे को चाहिए बहुत ज़्यादा स्क्रोल्स ताकि मेरे को एटलीस्ट एक ब्लेसिंग मिल पाए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोनों भी कर देना ताकि मेरे में आ सके थोड़ा मोटिवेशन आवे बच्चों में, ठीक है। आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं आपसे अगले बढ़िया वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।